नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजीटी यानी देसी गबरू टैग में। मैं हूं हिंद। और भैया सैमसंग लगातार अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करने में लगा पड़ा है। पहले सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज लेके आया, उसके बाद भैया ये अपना फोल्डेबल फोन लेके आया, और अब इसने भैया लॉन्च कर दी है अपनी सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज, जिसमें भैया इसने अपने दो स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला भैया सैमसंग गैलेक्सी A30, दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी A50। अब भैया इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी के इन्हीं दोनों फोन्स के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी A30 और A50 के फीचर्स, हाइलाइट्स, स्पेसिफिकेशंस और भैया प्राइस के बारे में। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो गिवअवे चल रहा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाइए एंट्री करिए और आप जीत सकते हैं भैया 4K प्रोडक्शन कैमरा, नेविया का जिम बैग, इसके अलावा मोबाइल कैमरा लेंस किट के साथ साथ कई सारे प्राइजेस। तो भैया जाओ एंट्री करो और जीतो कई सारे इनाम। अब बात करते हैं भैया सैमसंग गैलेक्सी A50 के फीचर्स के बारे में। तो अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलती है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जिसका अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है 1080x2340 पिक्सल्स। इसके अलावा इसका एस्पेक्ट रेशियो 19.5:9। वहीं बात करें भैया इस फोन में प्रोसेसर की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 7920 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। वहीं भैया इसके अलावा ये एंड्रॉइड 9.0 पाई पर काम करता है। अब अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। पहला 4GB रैम के साथ में 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं 512GB तक माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए। वहीं जो दूसरा वेरिएंट है उसमें भैया 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, उसे भी भैया हम माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भैया फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। बात करें इस फोन में बैटरी की, तो हमें देखने को मिलती है 4000mAh की बैटरी। अब अगर बात करें अदर कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो भैया जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, OLTE, NFC जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। वही 3.5mm का इसमें हमें ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फोन में फोटोग्राफी की, तो भैया इसके रियर पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें इसका प्राइमरी कैमरा f/1.7 अपर्चर के साथ में 25MP का, दूसरा कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ में 5MP का, और भैया इसका तीसरा कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ में 8MP का देखने को मिलता है। वहीं बात करें इसके फ्रंट यानी कि सेल्फी कैमरा की, तो भैया वो हमें 25MP का देखने को मिलता है। अब अगर बात करें भैया सैमसंग गैलेक्सी A30 की, तो भैया इसमें काफी सारे फीचर्स A50 जैसे ही है। जैसे अगर हम इसके स्क्रीन की बात करें तो इसमें भैया हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल यानी कि सेम ही है। अगर बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो वो भी भैया ऑक्टाकोर का देखने को मिलता है। इसका एस्पेक्ट रेशियो जो था वो भी 19.5:9 था। अब अगर बात करें भैया इसके स्टोरेज की, तो इसमें हमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, एक तो 3GB रैम के साथ में 32GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा भैया 4GB रैम के साथ में 64GB इंटरनल स्टोरेज। दोनों में भैया माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं। भैया अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी सेम यानी कि 4000mAh की देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर बात करें भैया इसके कैमरा यानी फोटोग्राफी की, तो उसका जो रियर पैनल है इस पे हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें पहला कैमरा f/1.7 अपर्चर के साथ में 16MP का, वहीं पर दूसरा कैमरा f/2.2 अपर्चर के साथ में 5MP का। वहीं बात करें फ्रंट यानी कि सेल्फी कैमरा का, तो भैया f/2.2 अपर्चर के साथ में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब भैया इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करें, तो जैसे भैया वाईफाई, वोल्टी, ब्लूटूथ, 3.5mm का ऑडियो जैक के साथ साथ काफी सारे वही सेम मतलब A50 जैसे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। अब अगर बात करें फोन्स की अवेलेबिलिटी और भैया प्राइस की, तो 28 फरवरी में मुंबई में सैमसंग अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें भैया ये सीरीज के जितने बाकी के और भी स्मार्टफोन्स हैं वो भी लॉन्च होंगे, और इन सारे स्मार्टफोन्स की हमें कीमत भी पता चलेगी। तो भैया कमाल का होने वाला है सब कुछ, क्योंकि सैमसंग जितने भी स्मार्टफोन्स लेके आ रही है टक्कर दे रही है बाकी सारे स्मार्टफोन्स को जो मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं। तो बस इस वीडियो में इतनी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ में साझा की। अगर आपको कोई सवाल है सजेशन तो कमेंट करें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजा दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। और वीडियो देखने के धन्यवाद वेरी मच।